First of all, thank you very much for coming. Aap sab log aaye, thank you. Well, मैं इस फिल्म को हमने बनाया बहुत प्यार से बनाया है. मैं और हमारे डायरेक्टर मंगेश जी ने, हमारे सब दोस्तों ने, मौलिक भाई ने, सब ने बहुत साथ दिया हमारा. आनंद जी हमारे प्रेजेंटर, ये दोस्त हैं, और भूषण जी भी हमारे साथ हैं. सो ये फिल्म बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के जीवन की वो घटना है जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आया, और वो एक छोटी सी सोच उनके दिमाग में कि मैं किसके लिए जीता हूँ. छोटी सी बात पर बहुत बड़ा सवाल कि हम लोग किसके लिए जीते हैं. और 10-12 साल की उम्र में उनके दिमाग में ये बात आती है, और वो बहुत गहरा चिंतन करते हैं. अपने अलग अलग लोगों से पूछते हैं, अपने टीचर से, परिवार से, कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ. और फिर उनको एक जवाब मिलता है कि जो दूसरों के लिए जीते, जो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. और वो उस लाइन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, और उस दिन से लेके पिछले 50 सालों तक हम देख रहे हैं उनको कि वो उसी फिलॉसफी पे जी रहे हैं. और वो हम हर पल यही सोचते हैं कि मैं बाकी सब के लिए क्या करूँ. उन्होंने अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा. जब हमें ये कहानी पता चली तो हमें बहुत अच्छी लगी, और इस कहानी को हमने बनाया, और फॉर्चुनेटली सबको बहुत पसंद आ रही है. आप लोग भी कल इसको स्टार प्लस पे देखेंगे रात को 9 बजे. आप लोग भी अपनी बात करिए. और बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल के देश के एक नव निर्माण में लगना चाहिए, एक परिवर्तन में लगना चाहिए. हम सबको समाज को एक नया समाज बनाना चाहिए, बहुत पॉजिटिवली सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव भावना से ये फिल्म बनी है, बड़ी ऑनेस्टी से फिल्म बनी है. उनके जीवन पर सच्ची आधारित घटना है, और हम सब ये एक मन में सवाल पूछेगा कि हम किसके लिए जीते हैं, और हमें सबके लिए कुछ करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. देखो मैं बताता हूँ क्या मेरे दिल को छुआ. क्या छुआ मैं बताना चाहूँगा हमारे दिल को, कि रात को एक छोटा बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि मैं किसके लिए जीता हूँ. और वो जो एक अपने फेलो स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, वो बात बहुत दिल को छूगी, और फिल्म में देखेंगे वो आप. थैंक यू. मैं मौलिक भाई को इनवाइट करूँगा. मौलिक भाई हमारे दोस्त हैं. मौलिक भाई क्या बोलूँ मूवी के बारे में आपको? श्यामक भाई, आई जस्ट वांट टू से कि आपका पिक्चर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. एंड आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक दैट मोदी जीज होल आइडिया ऑफ द फ्लावर, the selflessness, the humility of that one thought has changed the whole nation. So I think that's wonderful. Thank you. Thank you. Yeah, indeed. Salish bhai. Okay, Salish bhai is here. देखिए ये एक फिल्म नहीं है, ये महज एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है. एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है, एक सबक है हम सबके लिए, कि हम सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हम किसके लिए जीते हैं. लेकिन मानिए अगर हम स्वयं के लिए जी रहे हैं तो हम जी नहीं रहे, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को ना अमृत बूंद हथरों पर लगाए, है ज़रूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को फिर, विश्व का विश्व सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना आए. और हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के वर्तमान के लिए और एक सुखद भविष्य के लिए जी रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है. बोलिए. देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि बहुत ही लाजवाब फिल्म देखी मैंने. पूरा श्रेय जाता है महावीर जी को, मंगेश जी को, भूषण जी जिन्होंने प्रेजेंट की है फ्रॉम बी सीरीज. आपके सवालों का जवाब मैं चाहूँ तो रात भर दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप किसके लिए जीते हैं. सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये फिल्म देखने के बाद, कुछ फिल्में होती जो दिल को छू देती, कोई भी अच्छी फिल्म देखो दिल को छू लेती है, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो आपके जहन दिमाग रूह में चली जाती है. ये वो फिल्म है हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए. मैंने ली है इस वक्त, ये सिर्फ हमारे मीडिया के सामने ये बोलने की बात नहीं है,
ये कि भाई आपको कोई बोले कि कुछ बोल दो और आपने कुछ कह दिया और उसके बाद आप चले गए, ये जाने वाली बात नहीं है, ये रहने वाली बात है, ये रह गई है। मैं अपने सारे हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, मैं अपने संगीत के ज़रिए हर एक इंसान जो गम से गुजरता है उसकी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ अपने संगीत के ज़रिए। बहुत सी फिल्में आपने मेरे देखी होंगी, जैसे कि बॉर्डर है, LOC कारगिल है, हमारे हिंदुस्तान के जवान जो कुर्बानियाँ देते हैं। सबसे छोट बचपन में जो मोदी जी की कुर्बानी मैंने देखी कि उन्होंने एक नाटक प्ले किया और उसके बाद पैसा इकट्ठा कर कर अपने दोस्त के लिए यूनिफॉर्म ला के दिया, वो कमाल की बात थी, वो मैं रोया बहुत देखकर। इससे नज़र आता है कि इतने महान इंसान क्यों हैं। और ख़ास करके एक चीज़ मैंने नोटिस की, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं, कमाल की बात है। इनका नाम भी नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र ही था। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, इनके अंदर का जज्बा जो है उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कल नया दिन आएगा वो ज़रूर ये लेके आएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर इंसान के लिए जीना चाहता हूँ, उसे जीना कहते हैं। ये फिल्म वो प्रेरणा देती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं कितना कहना चाहता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, व्हाट अ फिल्म एंड व्हाट अ ह्यूमन बीइंग यू आर, गॉड ब्लेस। डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मंगेश हड़ावले, क्या बोले फिल्म के बारे में, पूछे, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। शूटिंग का क्या अभी का? देख इंडियन सर्कस मेरी सेकंड फिल्म थी और पहले मैंने टिंगा नाम की एक फिल्म की थी, दोनों फिल्म को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। उसके बाद हमने महावीर जैन और हमने मिलकर शॉर्ट फिल्म की है, चलो जीते हैं। बेसिकली शॉर्ट फिल्म करना इतना ही दिमाग में था और किस सब्जेक्ट के ऊपर करना ये तय नहीं किया था, मगर कुछ ऐसा करना था जिसके कारण देश में एक परिवर्तन आए, समाज में कुछ परिवर्तन आए। और एक दिन मैंने नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई सामाजिक समरसता ये किताब पढ़ी और उसके फर्स्ट चैप्टर में मुझे शॉर्ट फिल्म का जिस्ट मिला। फिर मैं अहमदाबाद गया, फिर उसके बाद वडनगर गया, उनके नेटिव प्लेस, और लगभग 2-2.5 महीना रिसर्च करने के बाद ये स्क्रिप्ट लिखी। और फिल्म में जितने सारे लोकेशंस यूज़ किए हैं वो सारे रियल लोकेशन है, PM साहब की रियल पाठशाला, रियल क्लासरूम, रेलवे स्टेशन, सारे रियल लोकेशन का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल जब लोग फिल्म देखते हैं तो मेरे से बात करते हैं तो उनको अंदर से बहुत बदलाव वो महसूस करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत कुछ नई चीज़ महसूस करने का वो एहसास करते हैं। थैंक यू। अच्छा मंगेश जी, कर रहा हूँ, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एक छोटे से बच्चे को जो नरेंद्र मोदी बने हैं फिल्म के अंदर, नरेंद्र मोदी यही बने हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कहें। कहो बेटा। हेलो, माय नेम इज़ धैर्य दर्जी, धैर्य नितेश दर्जी, फीलिंग सो प्राउड डूइंग PM सर्स मूवी, मींस प्राइम। बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने और बहुत दिल से ये रोल निभाया है। बेटा आपने क्या सीखा है वो बताइए। मैंने ये सीखा है कि दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए तो सब जीते। क्या बात है, थैंक यू। कोई पूछना, एक आध सवाल पूछ लीजिए आप लोग, एनी क्वेश्चन, ठीक, थैंक यू। अच्छा अभी बहुत सारे अपने सेलिब्रिटीज फ्रेंड आ रहे हैं, वो स्क्रीन खत्म हो रही है, 2-10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आनंद राय जी और अपने प्रेजेंटर फिल्म के बहुत सारे और एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, 5 मिनट रुके बस, 5 मिनट, 2 मिनट करा दो फिर। अच्छा मैं जब तक आप लोगों की फिल्म की कास्ट के साथ करवा देता हूँ, फिर अपने सेलिब्रिटी सारे दोस्त आने वाले हैं। ये हमारी टीम है, इन्होंने सबने बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए हैं।